वलसाड़ के प्रहरी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संकेत देसाई रात्रि के नाइट कर्फ्यू के दौरान गाइडलाइंस का उल्लंघन कर शराब के नशे में कार चलाते समय पुलिस के हत्थे चढ़ गए। दरअसल वलसाड़ शहर में इन दिनों रात्रि कर्फ्यू लागू है, जिसको लेकर पुलिस भी इस कर्फ्यू का सख्ती से पालन हो उस दिशा में जुटी हुई है। अगर कोई व्यक्ति इस नाइट कर्फ्यू के दौरान नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाती है। इसी बीच बीती रात्रि को वलसाड़ सिटी पुलिस स्टेशन के सामने से गुजरते मुख्य मार्ग पर पुलिस की टीम पेट्रोलिंग कर रही थी कि उस दौरान उनकी नजर एक कार चालक पर पड़ी जो अपनी गाड़ी को लापरवाही पूर्वक तेजी से दौड़ा रहा था। कार चालक कोई दुर्घटना को अंजाम दे उसके पहले ही वलसाड़ पुलिस ने उस सिल्वर रंग की कोरोला कार नंबर GJ01KD8315 को रोककर कार के चालक को कार को साइड पर लगाने को कहा। पुलिस ने जब जांच की तो उन्होंने पाया कि वलसाड़ के निकट आए गुंडलाव गांव के निशाड़ फरिया में रहते संकेत महेंद्र भाई देसाई, जो प्रहरी चैरिटेबल ट्रस्ट का अध्यक्ष है, शराब के नशे में ध्रुत होकर गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने संकेत के विरुद्ध जरूरी कार्रवाई कर उसे पुलिस स्टेशन पर ले जाकर उसके विरुद्ध गाइडलाइंस के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है।